ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेले तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड को 279 रनों से हरा दिया। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों की टेस्ट सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। ऑस्ट्रेलिया ने चौथी पारी में न्यूजीलैंड के सामने 416 रनों का विशाल लक्ष्य रखा था। कीवी टीम की बल्लेबाजी पहली पारी की तरह दूसरी पारी में भी विफल साबित हुई और सिर्फ 136 रनों पर ढेर हो गई। ऑस्ट्रेलिया के लिए नेथन लॉयन ने दूसरी पारी में 5 और मिशेल स्टार्क ने 3 विकेट लिए। पैट कमिंस के हिस्से 1 विकेट आया। वहीं मैट हेनरी बल्लेबाजी करने नहीं उतरे, उन्हें गेंदबाजी के दौरान जॉय बर्न्स के शॉट से चोट लग गई थी। न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी पूरे मैच में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के सामने संघर्ष करती दिखी। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 454 रन बनाए थे। मेजबान टीम के गेंदबाजों ने कीवी टीम को पहली पारी में 256 रनों पर रोका। ऑस्ट्रेलिया दूसरी पारी में 198 रनों की बढ़त के साथ उतरी। उसने अपनी दूसरी पारी 2 विकेट के नुकसान पर 217 रनों पर घोषित की। कीवी टीम को 416 रनों का लक्ष्य दिया गया। ऑस्ट्रेलिया ने चौथे दिन की शुरुआत बिना कोई विकेट के 40 रनों के साथ की। दूसरी पारी में डेविड वार्नर ने नाबाद 111 रन बनाए। पहली पारी में दोहरा शतक जमाने वाले मार्न्स लाबुशेन ने 59 रन बनाए। न्यूजीलैंड के पास मैच जीतने और बचाने के लिए पूरे 1.5 दिन का वक्त था, लेकिन लॉयन ने विपक्षी बल्लेबाजों को फिरकी पर नचाकर चौथे दिन ही टीम का पुलिंदा बांध दिया। कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने कीवी टीम के लिए जरूर संघर्ष किया और 52 रनों की पारी खेली। उनके अलावा रॉस टेलर 22, बीजे वॉटलिंग 19, टॉड एस्ले 17, जीत रावल 12 ही दहाई के आंकड़े में पहुंच सके। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को आसानी से मैच में हरा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। नेशन वन की खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन करें www.nationone.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।